Hello student, today we see the second problem based on block diagram reduction rule. Okay, see, this is the second problem. In this, we firstly observe the diagram. In this, there is a edge, that is the feedback. Okay, in this portion we apply the feedback rule, but in this again this point is our takeoff point. Yes, so this takeoff point, firstly we shifted to this point. Okay, so in the solution we see, firstly we apply the rule 7, that is shifting takeoff point before the block. Okay, apply rule 7. What is the rule 7? That is R of S, this is a G, this is our takeoff point X. Okay, and this takeoff point will be shifted before the block. So we want to this takeoff point here. Okay, so then it is converted to G again. We add 1G to shift the block. Yes, so what will be the diagram of next of this? That is, this will be shifted takeoff point. So see, the diagram will be like that. That is G1, okay, and this is a G2, G3, okay, this is takeoff point, this is C of S, okay, this is takeoff point, then okay, see, this will be shifted here. Okay, then which block before? That is G2. So add this G2 with our feedback. Okay, remaining will be the same. This is R of S. Okay, this is the diagram. That will, this takeoff point will be shifted here. Then which block before? That is G2. So in this we add G2 here, and H will be same as that of show in main diagram. Okay, so see, the next step is that again see which rule will be applied. We see in this it is again H. So this portion we apply the feedback rule, that is rule number 3. Okay, and this portion, that is two blocks are in parallel, so apply rule number 2. Okay, so see, apply rule 2 and rule 3 to mark
पोर्शन, जो भी हम लोगों ने पोर्शन मार्क किया है उसको रूल नंबर टू और रूल नंबर थ्री लगाएंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर टू क्या है वो देख लेंगे। वो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको इधर, दिस इज अ जी टू, ओके, इधर जी, सॉरी जी वन आएगा, ओके। उसके बाद में इधर फिर से समिंग ब्लॉक आएगा अपना, और ये आउटपुट। अभी इसका जो कन्वर्जन है वो कैसे होता है अपना, जी वन प्लस माइनस जी टू। ये हो गया रूल नंबर टू। रूल नंबर थ्री क्या है अपना फीडबैक का, इसका कन्वर्जन हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज जी अपॉन वन प्लस माइनस जी एच, यस एंड दैट इज सी, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको थर्ड रूल, ये वाला रूल इसको लगाएंगे, और ये जो सेकंड है ये इसको लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा अपने डायग्राम, दैट इज आर ऑफ एस समेशन, देन जो फर्स्ट ब्लॉक है वो फीडबैक लूप लगाएंगे। तो अपना जी क्या है, दैट इज इधर जी है जी वन अपॉन क्या लिखते हैं, वन प्लस जी वन जी टू। तो यहाँ पे जी वन कितना है, जी वन ही है, और जी टू क्या है, जी टू एच, ओके। जी एच आता है ना नीचे, वन प्लस जी एच आता है, तो जी यहाँ पे क्या है, जी वन, और एच क्या है यहाँ पे, जी टू एच, ओके। नेक्स्ट ब्लॉक अभी ये पैरेलल में है अपना, तो पैरेलल में लिख लेंगे कैसे आएगा, जी टू प्लस जी थ्री। अभी इधर प्लस क्यों लिया है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे समिंग साइन के यहाँ पे क्या है, प्लस है, ओके। उसके बाद में इट इज सी ऑफ एस, ओके। ये हो गया अपना इसका ठीक है। अभी फिर से ऑब्जर्व करो, अभी ये फिर से दो क्या है, ब्लॉक्स है, कैसे है अभी ये, इट इज इन सीरीज, ओके। ये दोनों ब्लॉक अभी एक इसमें है सीरीज में, तो अपना कौन सा रूल लगेगा, दैट इज रूल नंबर फर्स्ट। सो अप्लाई रूल फर्स्ट टू मार्क पोर्शन, ओके। जो भी मार्क किया हुआ पोर्शन है उसको रूल नंबर फर्स्ट लगाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है अपना, दैट इज आर ऑफ एस जी वन जी टू सी, इसका कन्वर्जन हम लोग कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये रूल हमको यहाँ पे लगाना है। तो डायग्राम कैसी बनेगी आपकी, दैट इज आर ऑफ एस समेशन, ओके। ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा, तो क्या होगा, जी वन और सेकेंड ये क्या आएगा, जी टू प्लस जी थ्री, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, वन प्लस जी वन जी टू एच, ओके। ये पूरा अपना ब्लॉक हो गया है। उसके बाद में अभी क्या बचा है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है फीडबैक कितना है, वन, वन मीन्स इट इज यूनिटी, ओके। कुछ भी नहीं है, कभी भी फीडबैक में अगर कुछ भी नहीं हो तो उधर वन कंसिडर करना है, दैट इज यूनिटी, ओके। उसके बाद में अभी फिर से यहाँ पे रूल नंबर फीडबैक का जो है रूल नंबर थ्री लगाएंगे, ओके। देन अप्लाई रूल नंबर थ्री, अप्लाई रूल थ्री टू मार्क पोर्शन, पोर्शन भी मार्क कर लेना,
ओके तो अभी जो है फीडबैक का रूल कैसे होता है, दैट इज जी अपॉन वन प्लस जी एच. ओके ऑलरेडी जो थर्ड रूल है आपको पता है, देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे थर्ड रूल. और ऑफ एस यहाँ पे जी रहता है, ओके और फीडबैक में एच रहता है. ठीक है तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, दैट इज जी अपॉन वन प्लस प्लस माइनस जी एच, दैट इज आर ऑफ एस और सी ऑफ एस. ठीक है तो अभी ये क्या आएगा, यहाँ पे जी आने गया है, ये पूरा ब्लॉक है, ओके और यहाँ पे एच आने गया है, दैट इज वन. ठीक है तो लिख लो ब्लॉक डायग्राम में क्या आएगा अपने, जी यानी ये पूरा पोर्शन है अपना, तो जी वन जी टू प्लस जी थ्री अपॉन वन प्लस जी वन जी टू एच. ओके ये हो गया ऊपर वाली टर्म. ओके उसके बाद में जो नीचे वाले भी टर्म लिखना है, क्या रहता है, वन प्लस जी एच, तो जी है अपना ये जी वन जी टू प्लस जी थ्री और वन प्लस जी वन जी टू एच. ओके और यहाँ पे एच क्या है, वन है ऑलरेडी, फीडबैक अपना वन है तो वो नहीं लिखना पड़ेगा अपने को. ठीक है तो ये हो गया अपना पूरा ब्लॉक सी ऑफ एस. ठीक है अगेन इसको ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, देन द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय, अब ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखना है, दैट इज सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस. ठीक है तो यहाँ पे सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस लिखना है, तो ये जैसे कि वैसे ही लिखना पड़ेगा अपने, वो क्या आएगा जी वन जी टू प्लस जी थ्री. ओके उसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या रहता है, वन प्लस जी वन जी टू एच, ये पूरी टर्म लिख रही हूँ मैं, और नीचे में ये वाली पूरी टर्म, तो कैसे आएंगी, अभी इसका भी मैं क्या क्या करूँगी, एलसीएम निकालूंगी जो प्रीवियस इसमें निकाला था हम लोगों ने. तो क्या करेंगे, एलसीएम कैसे आएगा, नीचे वाली टर्म जैसे कि जैसे वन प्लस जी वन जी टू एच. ओके और यहाँ पे ये टर्म नहीं, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी जी टू एच, और नीचे ये सेकंड टर्म में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में वो टर्म है, तो ऊपर वाली टर्म वैसी की वैसी लिख लेंगे. ओके अभी क्या हो रहा है, अभी ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे. ठीक है और क्या बचेगा, जी वन जी टू जी थ्री ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म क्या है, वन प्लस जी वन जी टू एच और प्लस जी वन जी टू प्लस जी थ्री. ठीक है अभी यहाँ पे कुछ और कैंसलेशन या फिर कुछ हो सकता है क्या, वो देखना पड़ेगा. ओके लास्ट स्टेप हम लोग कर लेंगे, जैसे कि ये जो जीवन है इसको जो है अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे भी जीवन है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बचेगा, जीवन जी टू प्लस जीवन जी थ्री. ठीक है नीचे वाली टर्म वन प्लस जीवन वन प्लस जीवन जी टू एच प्लस ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे जी वन जी टू प्लस जी वन जी थ्री. ओके तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस. अभी इसको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में लिखना है, तो वैसे भी लिख सकते हो, कैसे होगा आर ऑफ एस. ओके और जो है ये आंसर आ
जो आंसर आया है वो लिख लेना है g1 g2 प्लस g1 g3 अपॉन 1 प्लस g1 g2 h प्लस g1 g2 प्लस g1 g3 ओके। और ये आएगा अपना c ऑफ s ओके। ये हो गया अपना लास्ट आंसर जो है ये क्वेश्चन का, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन ओके। सो थैंक यू।